وسلم بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وما وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآنه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. प्रोफेसर आरिफ साहब हैं जो हैदराबाद में
माशाल्लाह मुख्तलिफ कॉलेजेस पे चलाते हैं। ये इनका इखलास और तक्वा जब मैंने सुना कि हाफिज़ साहब इस मामले में मुतफक्किर हैं और फिक्रमंद हैं, यानी कि कोई ट्रैवल से रब्ता किया जाए और इतना बड़ा मजमा जो हाफिज़ साहब के साथ चले उसमें मुख्तलिफ लियाकत है, अकीदतमंद तो है, कोई मालदार है, कोई गरीब है, लेकिन हर एक इश्क कहता है कि अपने पीर के साथ अल्लाह के घर का सफर किया जाए। जैसे शेर साजी ने कहा है कि ज़माना सोते बाहुलिया बेहतर असद सादा ताक बेरिया, कुछ लम्हे अल्लाह वालों के साथ उठना बैठना या उनके साथ रहना सफर पर हो या हजर पर हो, 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। और जो सफर अल्लाह के घर की तरफ हो, जो सफर महबूब मुस्तफ़ा के घर की तरफ कदम रखने वाले हो, जैसे मैंने पिछले में कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने घर से निकलती है किसी मजार की तरफ वापस लौटते तक फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार अक़दस इस हदीस से मुस्तस्ना है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे घर की जो मेरे मजार अक़दस पर हाजिरी देगा मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं उसकी शिफात करूँ। तो उसमें मर्द भी आ गए, खवातीन भी आ गए, बूढ़े जवान बच्चे, सबसे लिए बड़ी सआदत की बात है कि वो इस बहाने अल्लाह के घर का तवाफ करें, फिर उसके बाद वो महबूब मुस्तफ़ा के घर पर जाए, जरूर रसूल पर सलाम जा के हम कहें, हुज़ूर खुद सुने उसे, हुज़ूर खुद जवाब दें, बड़े खुश नसीब वो जो शाह का सलाम दे। हमारे लोग वहाँ जाते हैं तो अदब की वजह से खामोश हो जाते हैं, तो बेसाख्ता जबान से ये निकलता है ज़ाहिर है अपनी लफ्जों और अपनी कोताहियों और अपने गुनाहों से वो तौबा करें और आपसे माफ करें। आपका परवरदिगार भी बड़ा माफ करने वाला है। बहरहाल क्या कहते हैं, हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार जाएं और क्या कहते हैं अपनी लफ्जों और अपनी कोताहियों का अल्फाज के जरिए से अपनी नदामत अपने शर्मिंदगी के चंद खतरे अगर आंसू से निकल जाए, अगर वो उस खता को मेरे महबूब माफ करेंगे तो मेरा रब कहता है मैं बड़ा माफ करने वाला हूँ। तो बहरहाल क्या कहते हैं, 3 साल 3.5 साल मैं समझता हूँ करीब 4 साल का तवील अरसा हुआ है उस दर पे जाने के लिए, कल्ब और सारा वजूद बेसाख्ता क्या कहते हैं बेचैनी और बेकरारी महसूस कर रहा था। अब वो लम्हा आ चुका है कि गरीब अल्लाह के घर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्न الحق والنعمة لك والملك لا شريك لك कहते थे इस सजाओं के साथ। अरे मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें कोई मेरी तिजारत नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि हर अकीदत का ये चाचा है कि अपने पीर के साथ वो सफर करो कि वो सफर मेरा मुबारक बन जाए। तो बहरहाल क्या कहते हैं कोई तिजारत की बुनियाद पर नहीं, मैं जब दुबई एक महीना पहले जब गया था तो शेख मुझसे कहने लगा कि आप 2-3 दिन के लिए मैं आपको ले जा सकता हूँ मेरे लिए इंतज़ाम, लेकिन वहाँ पर आप सबसे मुस्कुराते हुए अकीदत के चेहरे मेरे आंखों के सामने आए कि मैंने इनसे वादा किया था कि अपने साथ आप अल्लाह के घर ले जाऊँगा, अगर अचानक जाऊँ तो इनके दिल दिल पर क्या कहते हैं अकीदत तो होगी लेकिन इस बात का एहसास होगा कि पीर भी झूठ बोला करता है। तो मेरा अल्लाह ने मुझे उस धोखे से और झूठ से बचाया, फिर अब वापस वो लम्हे लाया है। आदि जनाब आरिफ प्रोफेसर आरिफ साहब हैं जिनके शख्सियत को जब मैंने देखा तो दिल में एक इत्मीनान बल हासिल हुआ। आपने कहा कि आप सारे लोग मेरे साथ चले वापस आए, फिर उसके बाद आप पैसे दे दें, आप उसकी फिक्र करें जितने लोग भी चलते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, मैं ये काम भी सिर्फ खिदमत खल्क के जज्बे के तहत मैंने ये काम शुरू किया। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन उस माल को मैं सही जगह मसरफ में ला
चाहते थे अल्लाह के कुर्ब का तरफदार आने हुए बार बार अल्लाह के घर जाने की सआदत मुझे मिले, लेकिन इस सआदत को कबूलियत का दर्जा पाने के लिए मैंने ये खिदमत खल्क वाला काम शुरू किया। तो मैंने भी उनको मुबारकबादी दिया और कहा कि आपके आप जितने मरतबा भी अल्लाह के घर को जाने का जज्बा रखते हैं, खुदा की कसम यही खिदमत खल्क का जज्बा तुम्हारे वो उम्रों को वो तवाब को मैंने वो सफा फरमा की सही की कबूलियत का क्या कहते हैं सबब और जरिया बनेगा। तो मेरा क्या कहते हैं मैंने 20 कौन सी तारीख है 19 या 20 तारीख इंशाल्लाह ताला 20 सितंबर में मेरे 20 सितंबर इंशाल्लाह तय है। यूं समझ लो कि आज 20 तारीख है, मुकम्मल एक महीने का वक्फा है। आप बता रहे थे कि जो हजरात जल्दी से टिकट बुक कराएंगे उनके लिए पैसे कम होंगे, जैसा वक्त ज्यादा बढ़ता जाएगा फिर टिकट में इजाफा हो सकता है, क्योंकि पिछले में हम लोग अजमेर गए हैं पूरे जने बनवाए है ना, तो जो पहले बनवाए 16,000 रिकॉर्डिंग ले रहा हूं और थोड़ा बहुत गुजरा तो 25,000 हो गए। परसों मैंने हमारे अंकल गुजरात जाने वाले थे, मैंने उनसे निजाम भाई से पूछा कि टिकट बुक करवाना है प्लेन का, तो मुझे सुबह में लेंगे तो 6,000 रुपए है, शाम का अगर टिकट लेंगे तो 19,000 रुपए है। तो मेरे भाई ये सुबह और शाम में भी टिकट की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो मेरा अगर अगर जो हजरात आए क्योंकि अभी तक कितने ऐसे ऐसे फैमिली आए हैं साथ चलने का जज्बा रखते हैं, तो माशाल्लाह बेजा सोहेल बेग साहब और क्या कहते हैं जनाब सैयद निजामुद्दीन साहब और खलील साहब इनसे रब्ता करें ताकि हमारे आरिफ साहब तक की कार्ड भी साथ में लाए हैं, बहरहाल उनसे आप लोग डायरेक्ट भी रुजू हो सकते हैं। और माशाल्लाह के भी इसी जो हजरात एक कैटेगरी में होंगे तो वो खरीद में रखेंगे, लेकिन बहरहाल सब एक ही प्लेट में जाएंगे और साथ वही भी जिंदा उतरेगा फिर अपने पीर के साथ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आदमी के अपने अपने हिसाब से इंशाअल्लाह ताला वो बात की जाएगी। अल्लाह ताला हमारे इस सफर को क्या कहते हैं आसान फरमाए, रास्तों में जो कुछ भी रुकावटें और दुश्वारियाँ होंगी अल्लाह ताला रुकावटों और दुश्वारियों से क्या कहते हैं अल्लाह ताला अपनी मदद और नुसरत से हमारी क्या कहते हैं हमारी इस आरज़ू और तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। तो जो हजरात भी क्या कहते हैं चलना चाहते हैं जल्द अज जल्द इस जज्बे को अमल में ले आए। मैंने आपको बताया कि एक साथ ऐसे बदली थी जिस वक्त टिकट की थोड़ी थी किस्तों में आप पैसे दीजिए और आप ये बस समझिए कि सारे वाले बड़ा करके वापस आकर आप पैसे देंगे, नहीं ये हमारी तरबियत के बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरीके से हज़रतुल्लाह साहब ने फरमाया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दी जाए, तो ये कोई मजदूरी नहीं है, वो खिदमत खल्क के जज्बे के तहत जब वो हमारी खिदमत के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हम उनके पेट पर उनके जेब पर उनके माल पर नजर नहीं अपना माल उनके हाथ में देंगे। मेरे गाँव का खेमन हारा तू ही तो हाँ तू ही तू बस रब के हवाले मैंने तो कर ही दी तूफान के हवाले कश्ती, अब जो सरकार कहेंगे वही अच्छा होगा। मेरा अल्लाह ताला हमारे इस सफर को आसान फरमाए। मेरा 20 या 19 तारीख को हमारा काफिला यहाँ से रवाना होगा, 19 तारीख से लेकर करीब 14 दिन का ये सफर होगा। 14 दिन के लिए क्या कहते हैं मरकज खिदमत खल्क को तातील रहेंगे, फिर उसके बाद वापस लौटेंगे, फिर खादिम आपकी खिदमत में फिर मौजूद रहेगा। मेरा जो हजरात भी इस सफर पे चलने का शौक रखते हैं जज्बा रखते हैं या दिल में आरजू है कोई अभी अजवाब दूर तक नहीं है तो नीयत तो कर लीजिए, शायद हो सकता है कि नीयत करने की वजह से अल्लाह ताला रास्ते पार कर दे, कोई ऐसा रास्ता बना दे कि आप जहाँ गुमान भी नहीं कर सकते हैं वैसे रास्ते अल्लाह ताला आपके लिए खोल देंगे। मेरा छठा शाह आपके और नाथ के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बैत के लिए अपनी अपना हाथ में दिया जाएगा वक्त होगा, तो इल्हामी तौर पर अल्लाह ने जो बैत के अपने का तरीका मुझे दिया है इंशाअल्लाह आज उसी तरीके से बैत होगी और थोड़ा सा जिक्र होगा क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। हमारी ये आवाज़ महल